नहीं पता आप लोगों को बचपन में ये एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, लेकिन बोला जाता था कि नए साल के दिन अगर आपने जो काम करते हो तो पूरा साल आपको वही करना पड़ता है, ऐसा माना जाता था। तो मैं बहुत समझदार था बचपन में और मैं दिन भर सोया रहता था ताकि मैं पूरे साल सोता रहूं। अब बड़ा हो गया तो समझदार भी बन गया, तो मैंने क्या किया कि नए साल को कुछ ना कुछ नया सामान खरीदता गया ताकि मैं पूरे साल जो भी अपने फेवरेट चीज़ें हैं मैं खरीदता रहूं। तो उसी वजह से मैंने आज भी अपने लिए एक चीज़ खरीदा है, ताकि आपको तो पता है मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने का बहुत शौक है। तो आज मैंने अपने लिए एक स्मार्ट वॉच खरीदा है जो कि आज सुबह ही डिलीवर हुआ। तो बिना देरी के इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं। तो ये रहा वो स्मार्ट वॉच जो मैंने अपने आपके लिए ख़रीदा है। ये नॉइज की तरफ से है और कलर फिट प्रो 2। इसमें आपको IPS टच स्क्रीन मिल जाता है, 45 दिन का स्टैंड बाय आपको मिल जाता है और इसमें मल्टी स्पोर्ट्स मोड है, हार्ट रेट सेंसर है, स्मार्ट नोटिफिकेशन है, IP68 वाटर प्रूफ है। इसमें क्या होता है ना, आप पानी के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हो। ये एकदम से एप्पल वॉच जैसा दिख रहा है ना डिजाइन। तो ये रहा वो वॉच। तो इसका चार्जिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, ये मैग्नेट है। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए आपको कहीं कुछ कनेक्ट करना नहीं पड़ता है, बस इसके पास लाइए, देखिए कनेक्ट हो गया, ये मैग्नेट है और ये फिर चार्ज होना चालू हो जाएगा। इसको हम निकाल देते हैं, ओह माय गॉड। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये टच स्क्रीन है, आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स मोड, हार्ट रेट, ब्रेथ, अलार्म, सब कुछ मिल जाएगा इधर आपको। आपको इसको अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो और अपने म्यूजिक वगैरह को यहाँ से प्ले कर सकते हो। टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो यस, लाइट वेट भी है और हाथ में कुछ फील भी नहीं हो रहा कि मैंने कुछ पहना है। तो वैसे तो मैं घड़ियाँ पहनता नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मुझे ये पहनना पड़ेगा अभी। तो गाइस बहुत स्टाइलिश भी लग रहा है हाथ में और वे चल। हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अगर आपको भी लेना होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वालिटी, टच स्क्रीन, सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। ये मेरा अभी हार्ट बीट चेक कर रहा है और देखिए अभी निकला है 79, 78। आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन, बहुत ही एक्यूरेट बता रहा है, ग्रेट। अभी मैं इसका बैटरी बैकअप एक्चुअल में कितना दिन देता है चेक करूँगा। तो अगर इवन एक हफ्ता भी अगर ये बैकअप दे रहा है तो बहुत है। तो इसमें और एक भी चीज़ आपको फ़ायदा मिल सकता है, जितने भी सारे आपके मोबाइल्स में नोटिफिकेशंस आते हैं व्हाट्सअप के, फेसबुक के और नॉर्मल मैसेजेस, तो वो सारे आप यहाँ पर रीड कर पाओगे, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि देख सकते हो मम्मी का अभी कॉल आया है मेरे फ़ोन पे, तो मेरे यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाएगा। तो यहाँ से आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट मोबाइल से ही बात करना पड़ेगा। तो गाइस देखते देखते नया साल आ गया, नए उम्मीदों के साथ जो कुछ सपने हमारे 2019 में पूरे नहीं हो पाए वो हम कोशिश करेंगे 2020 में पूरा करने को। और कुछ नए रेजोल्यूशंस लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 2019 में आपने पूरा नहीं कर पाए पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। सपने देखो, सपने देखने से आपको कोई नहीं रोका है, पर हाँ उसको पूरा करने का भी हिम्मत रखो। आप सोच रहे होंगे ये तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन करने के समय हालत सूख जाती है। पर हमने अगर ट्राई ही नहीं किया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि
अपॉर्चुनिटीज आपके हाथों में खुद ब खुद नहीं आने वाले, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं ऊपर वाला भी उनका साथ देता है और वो लोग बहुत आगे जाते हैं। आप बोलने और करने में बहुत अंतर होता है और वो जो अंतर है हमें फिल करना पड़ेगा। अगर वो अंतर फिल नहीं हुआ तो बस हम बोलते बोलते ये साल भी गंवा देंगे और कुछ ना हो पाएगा। और ये हमेशा सबके साथ होता है। पहले तो हम लोग सपना देख लेते हैं जनवरी के महीने तक, फिर क्या होता है जैसे ही फरवरी या मार्च दो महीना गुजर जाता है तो फिर क्या करती है ज़िंदगी हमें निचोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो एक बार जब ज़िंदगी निचोड़ना स्टार्ट कर देती है तो हमारी सारी सपने उम्मीदें वहीं ख़त्म हो जाते हैं और हम फिर स्ट्रगल करना चालू करते हैं, जो कि मेरे साथ भी हो रहा था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि इस साल करूँगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था यार। तो मैंने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बार ज़िंदगी को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा और मैं अपना टारगेट हिट करके रहूँगा। और उसके लिए मुझे मेहनत आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2020 से मैं अपना जो जर्नी है, जो मेरे सपने हैं, जो अधूरे सपने हैं, उसको पूरी करने की बहुत कोशिश करूँगा। और उसके लिए मैं आज से ही काम स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार कोई बहाना नहीं चलने वाला और मैं अपना टारगेट हिट करके रहूँगा और उतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ खुद पे। क्या पता आपने जो सोचा होगा आगे उससे बड़ा कुछ आपके लिए लिखा हो, इसीलिए देरी हो रहा हो। ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ आपको चलना पड़ेगा और नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। जो आपको मोटिवेट करते हैं उन्हीं को साथ लेके चलना पड़ेगा। और यस, मेरे इस सपने पूरा करने में आप लोग अगर मेरा हेल्प करना चाहते हो तो कुछ मत करिए, बस मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बस उतना ही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस काम में सपोर्ट करोगे। बस इसी बात के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ इस वीडियो से, बस इतना ही। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर गाइस।